अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गए। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम पीटीआई का हिस्सा हैं, रहेंगे, और कोई किसी किस्म की पार्टी नहीं टूटी ना इंशाल्लाह ये टूटेगी। पंजाब हुकूमत ने मेरे हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दिए, उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से कल जो हमारे मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पीटीआई का हिस्सा हैं और रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने साथियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, नामुनासिब रवैये की वजह से ग्रुप बना, अब असम्बलियों में बात करेंगे। किसी एफआईआर में चीनी का कोई जिक्र नहीं, मुकम्मल मनी ट्रेल दे दी जहांगीर तरीन की मीडिया टॉक। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी। एफआईए ने इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। पीटीआई रहनुमा के साथ अरकीन पार्लियामेंट की भी लाहौर की सेशन कोर्ट आमद। तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया। राजा रियाज कौमी और सैयद अकबरवानी पंजाब असम्बली में क़यादत करेंगे। मजीद 4 MNA और 4 MPA साथ मिलने का दावा। हुकूमत को कमज़ोर नहीं सपोर्ट करेंगे, नौमान लंगड़ियाल। शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का मामला, अपोजिशन लीडर की अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त समाप्त के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से 26 मई को तहरीरी वजाहत तलब कर ली। कोरोना की तीसरी लहर का जोर बरकरार, मजीद 104 अफराद जान से गए। अब तक 19,856 अमवात, 24 घंटे में 3,256 नए मरीज, 8,86,184 शहरी मुतासर, 66,377 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.79% रिकॉर्ड। तालीमी इदारों की बंदिश में इजाफा होगा या नहीं, बैनुल सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। इम्तिहानात की हतमी तारीख से मुतालिक भी अहम फैसले मुतवक्के। कोरोना पर काबू पाने के लिए इकदाम, मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। वैक्सीन की कमी है ना साइड इफेक्ट्स, लगातार खरीदारी जारी है। शहरी खुद को रजिस्टर करवाएं और डोज लगवाएं। डॉक्टर फैसल सुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म का आज पेशावर और जिला महमद जाने का प्रोग्राम। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड फ्लैट्स और स्कूल का इफ्तिताह शेड्यूल। इमरान खान मोहम्मद डैम पर तरक्याती कामों का जायजा भी लेंगे। शाह महमूद कुरैशी की तुर्क सदर से मुलाकात। वजीर खारजा ने सदर मुमलिकत और वजीर आजम का खसूसी पैगाम तैयब उर्दवान को पहुंचाया। दो तरफा ताल्लुकात, फलस्तीन की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर भी बातचीत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद दानिश और मैं हूँ आपके साथ फैजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी मनी लॉन्ड्रिंग केस की। जहांगीर तरीन और अली तरीन लाहौर की सेशन कोर्ट में पेश हुए। लाहौर की सेशन कोर्ट ने अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी है। एफआईए ने इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। पीटीआई रहनुमा के साथ अरकीन पार्लियामेंट की भी सेशन कोर्ट आमद। केस है ये मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें जहांगीर तरीन और अली तरीन लाहौर की सेशन कोर्ट में आज पेश हुए और सेशन कोर्ट ने उनकी अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी है। यानी कि अब समाअत जो दोबारा होगी वो 31 मई को होगी। एफआईए ने इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के साथ अरकान पार्लियामेंट की भी सेशन कोर्ट आमद हुई, जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है जिसमें जहांगीर तरीन और अली तरीन आज लाहौर की सेशन कोर्ट में पेश जमानत में तौसी के लिए और लाहौर की सेशन कोर्ट ने अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि इमरान खान इंसाफ पसंद हैं, हमें इंसाफ देंगे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पीटीआई का हिस्सा हैं और रहेंगे। किसी एफआईआर में चीनी का कोई जिक्र ही नहीं है, मुकम्मल मनी ट्रेल दे दी है। पंजाब हुकूमत ने साथियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की हैं, नामुनासिब रवैये की वजह से ग्रुप बना है, लेकिन अब असम्बलियों में बात करेंगे। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन है और आज कंप्लीट मनी ट्रेल, जिन जिन उन्होंने चीज़ों पे सवाल उठाए थे हमने वो एफआईए को प्रोवाइड कर दिया। तीनों एफआईआर में चीनी का कोई जिक्र नहीं है। ये जो कहा जाता है चीनी माफिया ने ये कर दिया, चीनी माफिया ने ये कर दिया, भाईजान कोई इन एफआईआर से साथ चीनी माफिया का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको खुले आम ओपनली बता रहा हूँ, हम सब पीटीआई का हिस्सा थे, हम सब पीटीआई का हिस्सा है और हम सब इंशाल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है, इंसाफ देंगे। पंजाब हुकूमत ने मेरे हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दिए। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से कल जो हमारे मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएँगे पंजाब की असेंबली में। और तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन ग्रुप का बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। राजा रियाज कौमी असम्बली जबकि सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में ग्रुप के सरबराह होंगे। हुकूमत और जहांगीर तरीन में फासले मजीद बढ़ने लगे। जहांगीर तरीन ने अपने पार्लिमानी ग्रुप का बाकायदा ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन की रिहायशगाह मॉडल टाउन में जहांगीर तरीन के हामियों के लिए इशाइया दिया गया। इशाइये में तहरीक इंसाफ के 31 अराकीन ने कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। राजा रियाज कौमी असम्बली में जबकि सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिए गए। पार्टी रहनुमा नुमान लंगड़ियाल ने दावा किया कि 31 अरकान जहांगीर तरीन के साथ हैं लेकिन हुकूमत को कमजोर नहीं, सपोर्ट करेंगे। जो प्रिंसिपल असम्बली के मेंबरान हैं उन्होंने मुत्तफिका तौर पर सरदार सईद अकबर खान नवानी साहब को अपने ग्रुप की तरफ से नामज़द किया है। असेंबली में अपना नुक्ता नज़र बताएंगे। इंशाल्लाह ताला हम गवर्नमेंट को मजबूत देखना चाहते हैं और इसके साथ पूरा तावन करेंगे। ये एक अच्छी नीयत से हमने फैसला किया है, सारे दोस्तों ने मिलके किया है, ना कि सिर्फ एक आदमी का ये फैसला है। हमारा एक दोस्त भी कम नहीं हुआ, अल्लाह के फजलो करम से हमारी तादाद पूरी है। जहांगीर तरीन के इशाइये में राजा रियाज ने अराकीन से जहांगीर तरीन से वफादारी का हल्फ भी लिया जबकि नुमान लंगड़ियाल कहते हैं अराकीन से हल्फ नहीं अहद लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज ज़िला मोहम्मद और पेशावर का मुख्तसर दौरा करेंगे जहां पर वो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड फ्लैट्स का इफ्तिताह भी करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज जम कबायली ज़िला मोहम्मद और पेशावर के मुख्तसर दौरे पर आ रहे हैं। दौरे के दौरान रेगिलनमा के इलाके में मजदूरों के लिए ज़ेरे तामीर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड फ्लैट्स और स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान लेबर फ्लैट्स और स्कूल का मुआयना भी करेंगे। रेगी ललमा में मजदूरों के लिए ज़ेर तामीर 5 अरब 93 करोड़ रुपए की लागत से 256 फ्लैट्स बनाए गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जम कबायली ज़िला मोमंद का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तसर दौरे में मोमंद डैम जाएंगे जहां उन्हें डैम पर तरक्याती काम पर पेशरफ्त से मुतलिक ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला, शहबाज शरीफ की अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से 26 मई को तहरीरी जवाब मांग लिया है। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का यह मामला है। शहबाज शरीफ की अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से 26 मई को तहरीरी जवाब मांग लिया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी लच्छवी ने अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को बिरून मुल्क जाने से रोकने पर के खिलाफ केस की समाअत की, तो अदालत ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए वफाकी हुकूमत से 26 मई को तहरीरी वजाहत तलब कर ली। पुराने समाअत शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारर एडवोकेट ने मौके पर इख्तियार किया कि अदालत ने शहबाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए बिरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी, लेकिन जब शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनको रोक लिया गया और अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील राना अब्दुल शकूर ने यह नुक्ता उठाया कि शहबाज शरीफ ने फैसले की मुसद्दका कापी मुतलका अथॉरिटी को जमा नहीं करवाई, बल्कि शहबाज शरीफ तहरीरी फैसले की कापी लेकर सीधा एयरपोर्ट चले गए और इस हवाले से कायदे जवाबत पूरे नहीं किए, जबकि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं बल्कि एक और लिस्ट में शामिल था। तो अदालत ने इस हवाले से दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया और वफाकी हुकूमत के वकील से कहा कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं तहरीरी तौर पर जवाब अदालत में जमा करवाएं, जिसके बाद अदालत इस पर फैसला करेगी। अदालत ने मजीद कार्रवाई 26 मई को मुलतवी करते हुए फ्रीकैन के वकला को बहस करने की हिदायत कर दी। अशफाक, शुक्रिया आपका।